ये लव स्टोरी है कॉलेज में पढ़ने वाले अमित और मलिका की। हमें उम्मीद है आपको इन दोनों की लव स्टोरी बहुत पसंद आएगी। कॉलेज में पढ़ने वाले अमित और मलिका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन मलिका अपने कॉलेज से हाफ डे में ही निकल गई। कॉलेज से बाहर आने के बाद उसने अमित को फ़ोन किया और कहा कि वो कॉलेज के बाहर गेट पर उसका इंतज़ार कर रही है और उसे अपने बाइक से घर छोड़ दे। अमित ने मलिका से कहा, ओके मैं 5 मिनट में आता हूँ, तुम वेट करो। मलिका पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी रही, लेकिन अमित नहीं आया। गुस्से से लाल मलिका ने देखा कि पूरे 30 मिनट बाद अमित बाइक लेकर उसके पास आया। मलिका ने कहा, अब क्यों आयो, चले जाओ यहाँ से, मैं खुद चले जाऊँगी। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो भी अब, आई एम सॉरी। अमित ने सॉरी बोला तो मलिका बस थोड़ा मुस्कुराई और उसके बाइक पर बैठ गई। लेकिन मलिका अब नोटिस करने लगी थी कि अमित अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है, उससे आगे ज़्यादा नहीं बोलता। मलिका ने यह भी नोटिस किया था कि अमित ऐसा किसी भी एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए करता है, उसकी किसी भी गलती के लिए उसे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, इसीलिए अमित फट से सॉरी बोल देता था, जबकि अमित ऐसा पहले कभी नहीं करता था। अमित और मलिका के बीच ऐसा बहुत दिनों तक चला। अब तो मलिका भी अमित की इन सॉरी से तंग आ चुकी थी। वो सोचती थी कि आई एम सॉरी बोल देना सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, लेकिन अमित शायद ये बात समझने के लिए तैयार नहीं था। मलिका ने काफ़ी कोशिश की कि अमित को समझाने की, पर वो नहीं समझा। आखिरकार मलिका ने फैसला कर लिया कि वह इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देगी, क्योंकि मलिका का मानना था कि एक लव रिलेशनशिप सिर्फ एक सॉरी से नहीं चलता। मलिका ने अमित का फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन मलिका अमित से इतना प्यार करती थी कि वह उसे भूल नहीं पाई। फिर एक दिन मलिका अमित से मिलने के लिए उसके कॉलेज के बाहर उसका इंतज़ार करती रही, जहां उसे पता चला कि अमित 1 महीने से कॉलेज नहीं आया। मलिका घबरा गई, उसने अमित को फ़ोन लगाया तो उसका नंबर भी बंद आ रहा था। घबराई हुई मलिका अमित के बेस्ट फ्रेंड के पास गई, वहां उसे पता चला कि अमित पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में है। मलिका भागती हुई अमित के पास पहुंची, जहां उसने देखा कि अमित बेड पर लेटा हुआ है और बड़े मुश्किलों से वह कुछ बोल पा रहा है। अमित को देखकर मलिका रोने लगी। मलिका को देख अमित की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर बड़े मुश्किल से अमित ने मलिका से कहा, आई एम सॉरी, और फिर आंखें बंद कर ली। उसके बाद अमित ने कभी आंखें नहीं खोली। कुछ दिनों बाद अमित की माँ उससे कुछ लेटर लेकर मलिका के पास आई। लेटर में लिखा था, मेरी प्यारी मलिका, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर 30 मिनट तक मेरा इंतज़ार कर रही, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था और जिसके वजह से मैं अचानक ही बेहोश हो गया, और जैसे मुझे होश आया मैं तुम्हारे पास आ पहुँचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम टेंशन में आ जाओगी। उसके बाद जब जब मैंने तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे भी वजह थी। मेरे दिल में होल है और इसका पता मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और ज़िंदगी दे पाते ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी और वक्त बिता पाता। खैर, मेरे सॉरी बोलने की वजह से अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी मलिका, आई एम सॉरी। लेटर को पढ़ने के बाद मलिका के आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों, इस दर्द भरी कहानी में एक बात तो हमें पता चलती है कि हमें हमेशा अपने करीबी और प्यार करने वालों को समझने और समझाने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए।
अगर आपके दोस्त या प्रेमी आपसे खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो आपको उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए और आप खुद को दोष देते रहो। तो दोस्तों, आपको ये लव स्टोरी मुझे माफ कर दो कैसी लगी, वे आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और ऐसे ही और भी लव स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।